शेखर बोल रहा हूँ। अच्छा सुनो, 4 बजे 4 बाग स्टेशन के पास मिलो। काम आज हो जाएगा ना शेखर? हाँ पूजा, काम हो जाएगा। पूजा एक लड़के के साथ नौकरी की तलाश में निकली थी और रात 11 बजे लखनऊ कानपुर हाईवे पर बुरी हालत में पाई गई। लेकिन उसकी ये हालत हुई कैसे? कौन थी पूजा और कौन था शेखर? और आखिर पूजा के साथ हुआ क्या था? क्या हुआ भाई, कौन है ये लड़की? क्या मालूम इस तरफ से आई थी। लड़की जिंदा है, हालत बहुत खराब है, एम्बुलेंस बुलाओ। अरे ये तो बहुत घायल लग रही है। इसकी हालत देखकर तो लग रहा है कुछ गड़बड़ है। आजकल गुंडे बदमाश बहुत हो गए, पता नहीं क्या हो रहा है। ए, चलो चलो निकलो यहाँ से, चलो। शेखर कहाँ रह गया, कुछ बता के नहीं गया क्या? माँ जी तब से लगा रही हूँ, फोन में स्विच ऑफ आ रहा है, बहुत घबराहट हो रही है। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। समझ में नहीं आ रहा, इतना देरी तो कभी नहीं करते। सर, लड़की का नाम पूजा है। हेलो, आप पूजा की माँ बोल रही हैं? साहब, साहब, हमारी पूजा का क्या हुआ है? आप कुछ बता मत, कहीं नहीं है। इसे पहचानती हैं? ये मोबाइल तो हमारी पूजा का है। ये चप्पल? पूजा। ये दुपट्टा? पूजा। ये पर्स? पर्स में पूजा का। और ये चश्मा? सब ये चश्मा आपका नहीं पता। सब हमने पूजा का क्या हुआ है? आप शेखर को जानती हैं? नहीं साहब, शेखर का हमका नहीं पता। साहब आपको छुपावत हो, बता हमारी बिटिया का क्या हुआ है? सर, लड़की के साथ रेप हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि गैंग रेप का मामला है। बहुत जख्मी हालत में है, बेसिक ट्रीटमेंट हमने कर दिया है। वो
पूजा को अभी तक होश नहीं आया। एक काम करो, घटनास्थल से जो भी चीजें बरामद हुई हैं सबकी अच्छे से जांच करवाओ। सर। और पूजा के फोन पे अंतिम कॉल किसी शेखर का आया था, इस शेखर का कच्चा चिट्ठा निकला टेलीकॉम ऑपरेटर से। सर। और वो जो सेडेटिव मिली है पता लगा कौन से मेडिकल स्टोर से खरीदी गई है। सर, पेशेंट को होश आ गया। डॉक्टर साहब, बयान लेना बहुत जरूरी है, प्लीज ले लीजिए। पूजा, आपके साथ ये सब किसने किया? शेखर ने। शेखर? हाँ, आगे बोलिए। शेखर ने। देखिए, पेशेंट की हालत खराब हो रही है, आप लोग प्लीज बाहर जाइए। नर्स, इंजेक्शन। माँ जी, वो अभी तक घर नहीं आए हैं, पूरी रात बीत गई, लगता है पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। शेखर गए? हम तो खुद ही थाने आने वाले थे कंप्लेन लिखवाने, वो कल से घर ही नहीं आए हैं। देखिए, हमारे साथ कोई खेल मत खेलिए, फटाफट बताइए शेखर गए। अरे आप ऐसे काहे बोल रहे हैं, कहाँ किया हमने बेटा ने? आपके शेखर ने रेप किया है। आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है इंस्पेक्टर साहब, वो ये सब नहीं कर सकते। हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई मैडम, पूजा ने खुद बयान दिया है कि ये सब उसके साथ शेखर ने किया है। आप उसका फोटो ले आइए। आप पूजा को जानती हैं? पूजा? ये दवाई यहां से खरीदी गई थी, किसने बेची थी? सर, ये किसी पूजा शर्मा ने ली थी। तुम थे उस टाइम यहाँ पे? सर, उस वक्त तो बबलू और शेखर थे। सर, मैं तो 3:30 बजे आया क्योंकि शेखर ने हाफ डे लिया हुआ था उस दिन। अभी कहाँ है शेखर? सर, आज तो नहीं आया वो। ये नंबर देखो, ये है उसका नंबर। हाँ, नंबर तो उसी का है। क्या हुआ सर? वो आए तो इन्फॉर्म करो। ओके सर। तुम यहाँ सिविल ड्रेस में तैनात रहना, नजर रखना, और तुम सर को इन्फॉर्म करो। ये पूजा, ध्यान से देखिए। संभाल के आराम से। अरे क्या हुआ? कौन है ये? अमिता, ये पूजा है, मेडिकल स्टोर पे दवाई लेने आई थी, कह रही थी काम ढूंढने निकली और बात करते करते अचानक बेहोश हो गई, तो मैं इसे घर ले आया। ठीक हो बेटा? ये लो पानी पियो। लो। क्या हुआ बिटिया, इतनी परेशान काहे दिख रही हो? सवेरे से काम की तलाश में घूम रहे हैं यहाँ से वहाँ, धूप में बिना कुछ खाए पिए, चक्कर सा आ गया हमको। अब आप ही बताइए इंस्पेक्टर साहब, जो लड़की खुद ही बेहोश होकर गिरी पड़ रही थी, उसकी मदद के लिए हमारे पति काम धाम छोड़कर को यहाँ ले आए, वो उसके साथ ऐसा कर सकते हैं? अगर उनके मन में कोनो खोट होता तो हमारे पास पूजा को लेकर काहे आते? हर पत्नी अपने पति के बारे में ऐसा ही सोचती है, लेकिन गुनहगार तो हमारे आपके बीच में से ही कोई निकल गया था ना। ये आपके पति का है? हाँ, लेकिन इंस्पेक्टर साहब, वो एक पारिवारिक आदमी है, वो कोनो गलत काम कर ही नहीं सकते। बस वो एक बार हमारे हाथ लग जाए, क्या सही है क्या गलत है सब पता चल जाएगा। आप केवल इतना बताइए, कल वो 3:30 बजे अपना शॉप से निकला बाइक पे, आपको बताया? नहीं। मतलब उसने आपसे ये बात छुपाई? क्या इसके पहले भी कभी उसने हाफ डे लिया है, आपको बताया बिना? ऐसा तो कभी नहीं हुआ, हम खुद ही उनका फोन लगा रहे हैं संजय से, स्विच ऑफ बता रहा है। हम भी ट्राई कर रहे हैं, स्विच ऑफ है। अगर उसने कुछ किया ही नहीं है तो अंडरग्राउंड क्यों है? उसके बाइक का नंबर दीजिए। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि शेखर को जब पूजा के साथ ये कांड करना था तो उसने पूजा को अपने घर वालों से क्यों मिलवाया? कहीं ऐसा करके वो पूजा का भरोसा तो नहीं जीतना चाह रहा था? सर, ये भी तो हो सकता है कि पहले उसने ऐसा ना सोचा हो, बाद में उसकी नीयत में खोट आ गई और उसने मौके का फायदा उठा लिया। ये भी हो सकता है। फिलहाल एक काम करो, एक सादे कपड़े में कांस्टेबल घर के बाहर तैनात करो, मुझे पल पल की खबर चाहिए। यस सर। हम आपकी हालत समझ सकते हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ सवाल पूछने बहुत जरूरी हैं। प्लीज हमें निडर होके बताइए। 4 लोग थे, बस शेखर याद है हमें। उसके साथ उसके 3 साथी भी थे,
उनका चेहरा हमको याद नहीं। हमें नशे की दवाई पिला दी गई थी, फिर चारों ने बारी बारी हमारे साथ बलात्कार किया। जब हमने विरोध किया तो पूरी तरह मारा और पीटा। शेखर को आप कैसे जानती हैं? 4 महीने पहले हमारी मुलाकात हुई थी शेखर से, उनके मेडिकल स्टोर पे। हमारी नौकरी छूट गई थी, बहुत किल्लत हो गई थी पैसों की। छोटे भाई बहन के स्कूल की फीस के पैसे नहीं थे, माँ की तबीयत खराब रहती थी। हम दवाई लेने अक्सर उनके मेडिकल स्टोर जाया करते थे। एक दिन पैसे कम पड़ गए, दवाई लेना भी जरूरी था। शेखर ने कहा दवाइयाँ ले जाओ, पैसे बाद में दे देना। अब नौकरी तो थी ही नहीं, कहाँ से लौटाते उनको पैसे। पर शेखर ने कई बार मुफ्त में दवाइयाँ दे दी हमें, इससे इस बात का तो भरोसा हो गया कि वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और फिर एक दिन। हाँ हेलो पूजा। हाँ शेखर। अच्छा तुमको काम की जरूरत थी ना, तो एक अच्छा काम आया है। एक कपड़ों की दुकान खुल रही है, वहाँ सेल्स गर्ल्स की जरूरत है, तो हम बोलेंगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर, पूजा की रिपोर्ट जैसे ही आती है हमें तुरंत इन्फॉर्म कीजिए। हमें जल्द से जल्द रेपिस्ट को पकड़ना होगा, अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम बड़ी करनी होगी। फिलहाल एक काम करो, शेखर के घर पे जाओ, उसकी पत्नी से उसके दोस्तों की डिटेल्स निकलवाओ। कुछ भी करो, मुझे सारे रेपिस्ट हिरासत में चाहिए। यस सर। पूजा के विश्वास की हत्या हो चुकी थी। जिस शेखर पे उसने भरोसा किया था उसी ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। शेखर का फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठने वाली नहीं थी। उन्होंने शेखर और उसके तीनों साथियों को ढूंढने के लिए छानबीन और तेज कर दी। पूजा ने बयान दे दिया है, उसके साथ गैंगरेप हुआ है। नहीं नहीं, वो गलत बयान दे रही है। हमारे पति एक जिम्मेदार इंसान है, उनकी संगत बुरी हो ही नहीं सकती। जल्दी ये सब पता चल जाएगा, पहले उनके दोस्तों के नाम और नंबर दीजिए। विजय। जी सर। ऐसे नहीं बकोगे तुम लोग, सच बुलवाना आता है हमें। गुप्ता, इन तीनों के स्पर्म टेस्ट के लिए भिजवाओ। सर। ये फोटो गौर से देखो, इन दोनों कभी देखा है? जी साहब देखा है, अभी कुछ दिन पहले यहाँ से लस्सी पी के गए। केवल ये दोनों थे कि इनके साथ इनके दोस्त भी थे? नहीं साहब, ये दोनों अकेले थे। पक्का? जी साहब। लगता है शेखर ने पूजा के लस्सी में ड्रग यहाँ मिलाया और उसके बाकी दोस्तों ने वहाँ वारदात के जगह पे उसको ज्वाइन किया। हाँ गुप्ता। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर 2 मिनट के लिए उसका फोन ऑन हुआ। इसके पहले कि वो शहर छोड़ के भाग जाए, धर दबोच उसको। सर ले चलाओ।
शेखर का मोबाइल फिर से स्विच ऑफ हो गया। शेखर जहाँ काम करता था, जहाँ रहता था, जहाँ पूजा को लेकर गया था, पुलिस उन सभी इलाकों का चप्पा चप्पा छान रही थी। शेखर के तीन दोस्त पुलिस हिरासत में थे, लेकिन शेखर का अभी तक कुछ पता नहीं चला था, बल्कि उसे पकड़ पाना और मुश्किल होता जा रहा था। पुलिस ने शेखर के मोबाइल को ट्रैक किया, लेकिन उसका मोबाइल हर बार अपनी लोकेशन बदल रहा था। साहब, हमारे पति 3 दिन से गायब है, हमारी बात मानिए साहब। वो गायब नहीं है, अंडरग्राउंड है। अरे साहब, ऐसा नहीं है साहब, वो पारिवारिक आदमी है और उनके तीनों दोस्त भी बहुत अच्छे इंसान है साहब। आप हम पर विश्वास कीजिए साहब, साहब हमारे पति के साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है साहब, साहब उनको ढूंढने में मदद करिए साहब, उनके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया। आप सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं, केवल एक बार अपने आप को उस लड़की के जगह पर रख के देखिए जिसके साथ गैंगरेप हुआ है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती वो किस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है। नमस्ते, हम शेखर की पत्नी हैं। कहाँ आई हूँ यहाँ? हमारी बिटिया का तमाशा देखने आई हूँ। तुम्हारा पति इंसान नहीं, राक्षस है, राक्षस। देखो हमारी बिटिया का क्या हाल किया है। अरे कैसे रहा था उनके साथ? देखो मेरी बिटिया को, देखो। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। सर, पूजा की टेस्ट रिपोर्ट में 4 अलग-अलग डीएनए पाए गए और उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में वही ड्रग मिला है सर, जिसकी फॉइल हमें मिली थी सेडेटिव की। लेकिन सर, शेखर के तीनों दोस्तों के स्पर्म सैंपल मैच नहीं हुए जो पूजा के शरीर में पाए गए थे। तो फिर वे तीन लोग कौन हैं जिनके साथ मिलकर शेखर ने यह गैंगरेप किया? अरे बहू, हम मानत हैं, वो लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ। शेखर को हम पैदा किए हैं, उसका स्वभाव जानत है, वो इतनी घिनौनी हरकत नहीं कर सकत। पूजा की हालत देखकर नम्रता सदमे में थी और दूसरी तरफ पुलिस हैरान थी कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में शेखर के तीनों दोस्तों का डीएनए मैच नहीं हुआ था। पुलिस की समझ में नहीं आ रहा था कि शेखर के ये तीन नए दोस्त आखिर हैं कौन, क्या वो वाकई किसी बुरी संगत में था। अजीब दुविधा थी, ना तो शेखर का कुछ पता चल रहा था और ना ही इस केस से जुड़ी कोई और कड़ी सामने आ रही थी। 3 दिन बीत गए और फिर अचानक शेखर कहाँ था तू इतने दिन? आप आ गए, कहाँ चले गए थे? 3 दिन से कुछ अता पता नहीं है, यहाँ कितना हंगामा हो गया है, हम कितना परेशान हो गए थे, कहाँ गायब थे और फोन कैसे स्विच ऑफ था? अरे फोन तो हमारे पास ही था। अरे कहाँ ले गए? अरे उसने कुछ नहीं किया, अरे चले गए, कुछ नहीं किया, चले गए, चले गए, कुछ नहीं किया, चले गए, कुछ नहीं किया, चले गए, कहाँ लेके जा रहे हो? पूजा के साथ इस रेप कांड में तुम्हारे साथ तुम्हारे तीन और साथी शामिल, तीनों का नाम चाहिए मुझे। सर हमने कुछ नहीं किया, बात मानिए हमारी। देख, छुपा के कोई फायदा नहीं, पूजा हमें अपने बयान में सब कुछ बता चुकी है। इसके पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए, तेरी पतीसी झाड़ू में साफ साफ बोल। सर हमने कुछ नहीं किया है, हमने किसी का रेप भी नहीं किया, और जब रेप नहीं किया तो ऐसे किसी का नाम कैसे दे दूं मैं आपको? बेटा शेखर, ज्यादा भोला मत बन, तुम्हारे भोलेपन की कहानी हम पूजा से सुन चुके हैं। हाँ शेखर। अच्छा तुमको काम की जरूरत थी ना, तो एक अच्छा काम आया है, एक कपड़ों की दुकान खुल रही है। तो लड़की को नौकरी देने का लालच देकर तुमने उसे नजदीकियां बढ़ाई? नहीं साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पहले फोन उसी ने किया था हमको। झूठ, बिल्कुल झूठ। पूजा तुम्हें फोन नहीं करती थी, बल्कि तुम पूजा को बार बार फोन करते थे, और उस दिन भी तूने ही पूजा को फोन किया था। अच्छा सुनो,
4 बजे 4 बाग स्टेशन के पास मिलो। काम आज हो जाएगा ना शेखर? हाँ पूजा, काम हो जाएगा। हाँ साहब, मेरी बात हुई थी पूजा से उस दिन, लेकिन पूजा नहीं कहा था वो हमारे साथ आना चाहती है नौकरी के लिए। हम तो नौकरी ढूंढने जा रहे थे, लेकिन शेखर का फोन आया कि अकेले मत जाओ, हमने हाफ डे ले लिया है, साथ चलेंगे। बहुत प्यास लगी थी पूजा को साहब, उसने ढाबे पे रुकने के लिए कहा हमको, तो हम ढाबे पे लस्सी पीने के लिए रुक गए। लस्सी पीने के बाद थोड़ा चक्कर सा आने लगा, फिर कुछ याद नहीं। मतलब उसके बाद हमको याद नहीं कि क्या हुआ हमारे साथ, और जब आग खुली तो 3 दिन बीत चुके थे। सब हमको किसी ने अगवा कर लिया था। तो क्या अरबपति है, तुम्हारा अगवा कोई क्यों करेगा? और फिरौती के लिए तो कोई कॉल नहीं आया। तुम्हें क्या लगता है कोई बेहोश आदमी उड़ते फिरता क्या यहाँ से वहाँ? तुम पूरे होशो हवास में थे, इसलिए तुम्हारा मोबाइल अलग अलग लोकेशन पे ऑन और ऑफ हो रहा था। अब ये मत कह देना कि तुम्हारा मोबाइल भी चोरी हो गया था, क्योंकि जब तुम घर पे आए तुम्हारे पास मोबाइल था, और तुम किडनैप हुए थे या तुम्हारा ड्रामा था ये तो हम पता लगा ही लेंगे। तुम्हारी जानकारी के लिए ये बता दूं कि तुमने और तुम्हारे साथियों ने रेप के पहले पूजा को जो ट्रक दिया था उसकी डिटेल हमें मेडिकल स्टोर से मिल चुकी है। साहब किस ड्रग्स की बात कर रहे हैं? हाँ ये सच है कि पूजा मेरे मेडिकल स्टोर पर दवा लेने आती थी, लेकिन वो डिप्रेशन की दवा लेने आती थी, और उसके पास डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन भी होती थी। झूठ, फिर एक झूठ। हमने पूजा की मेडिकल हिस्ट्री चेक की है, पर पूजा का खुद ये कहना है हमने कभी दवाइयाँ नहीं ली। सेडेटिव बोल रहे हैं ना आप? हम तो अक्सर बुखार की या सर दर्द की दवाइयाँ लेने जाते थे माँ के लिए। ये सब शेखर की प्लानिंग है सर, वही बार बार फोन करके हमको वहाँ बुलाया करता था। पूजा खुद हमसे बात करना चाहती थी, हमको बार बार मिस कॉल मारती थी, और उसकी तंगी को देख के हम कॉल बैक कर लेते थे साहब उसको, और जब भी हम उसको कॉल बैक करते थे हमसे डिप्रेशन वाली ही बातें करती थी। हम कोशिश करते थे साहब हम उसकी मदद करते ताकि वो डिप्रेशन से निकल जाए, वो मेरी बहन जैसी थी साहब। क्या बताएं शेखर, घर में रुपया पैसा है ही नहीं, खाने तक का इंतजाम करना मुश्किल होता जा रहा है, घर में कोई बड़ा भी नहीं है जो सहारा दे दे। कभी कभी तो मन करता है अपनी जान ही दे दे। कैसी बुजदिलोली बात कर रही हो तुम, घर में कोई सहारा देने वाला नहीं है तो हिम्मत हार जाओगी? हम है ना, हमको बनाओ अपना बड़ा भाई। देखो पूजा, जैसे अच्छे दिन नहीं टिकते ना तो वैसे बुरे दिन भी चले जाते हैं। एक काम करो, ये रखो तुम। अरे रखो, बड़े भाई हम तुम्हारे, और कभी भी जरूरत पड़े हमको याद करना, ठीक है? उसने हमदर्दी दिखाकर अपने जाल में फांस लिया हमें, फिर मौका देखकर गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। साहब अब खुद सोचिए, अगर हमने रेप किया होता तो हम घर वापस क्यों आते? हमने आपको पकड़वाने? तुम घर वापस इसलिए आए ताकि तुम पे किसी का शक ना जाए, बड़े ही शातिर आदमी हो तुम, और 3 दिन तक तुम छुपे हुए रहे ताकि तुम एक्सक्यूजे जमा कर सको। कोई फायदा नहीं होगा। मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, तीनों साथियों के नाम बता दो मुझे। सर अब 1000 बार पूछेंगे तो हमारा एक ही जवाब होगा, हमने रेप नहीं किया। नहीं किया मतलब नहीं किया है। इसके स्पर्म का टेस्ट करवाओ। सर तू बचेगा नहीं। ये क्या हो गया जी? पुलिस वाले कह रहे हैं कि ये सामूहिक बलात्कार का मामला है, और वो टीवी वाले भी चिल्ला चिल्ला कर यही सब बता रहे हैं। सब झूठ है नम्मो, चाहे पुलिस वाले कुछ भी कहें या ये टीवी वाले कुछ भी कहें, पर हमने कुछ नहीं किया है, हम बेकसूर हैं। वही तो, हम 10 साल से आपके साथ हैं, आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। क्या हो गया जी? पूजा को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, हम तो मदद करना चाहते थे उसकी परेशान देखकर। अब कोई हम पे बलात्कार का इल्जाम लगाएगा तो हम मान थोड़ी ना लेंगे, और जब हमने रेप किया ही नहीं है ना तो कुछ भी साबित नहीं हो सकता, हमारा विश्वास करो। सर शेखर की रिपोर्ट आ गई, पूजा की बॉडी मिले सैंपल से शेखर का सैंपल मैच हो गया। 4 शीट फाइल हुई, केस चला और सारे सबूत शेखर के खिलाफ पेश हुए। पुलिस हैरान हो रही थी कि ये शेखर कैसा इंसान है, सारे सबूत मिलने के बाद भी एक ही रट लगा रहा है
कि वो बेकसूर है। शेखर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, लेकिन उसके वो तीन दोस्त जिन्हें गिरफ्तार किया गया था उनकी रिपोर्ट मैच नहीं हुई, और मीडिया के दबाव में पुलिस की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। सर, मीडिया ने नाक में दम कर रखा है। लेकिन उनका सवाल भी जायज है गुप्ता। हाँ सर, मेन रेपिस्ट को पकड़ लेने के बाद भी उसके बाकी तीनों साथी तक हम अभी भी नहीं पहुंच पाए, जबकि सर शेखर और पूजा दोनों साथ में उस लस्सी वाले ढाबे पहुंचे थे। दोनों ने साथ में लस्सी पी, यहाँ तक सर दोनों साथ में थे। उसके बाद शेखर पूजा को बाइक पर बिठाकर ऑफ रूट से उस जंगल में लेके गया जहाँ पर पूजा का रेप हुआ। लेकिन सर शेखर का कहना यह है कि लस्सी पीने के बाद उसको चक्कर आया और उसको कुछ याद ही नहीं रहा, और तीन दिन बाद जब उसको होश आया तो उसने खुद को लकड़े कारखाने में पाया, जबकि सर लकड़े का कारखाना तो रेप वाली जगह से बिल्कुल अपोजिट साइड में। सर इसका मतलब शेखर पक्का झूठ बोल रहा है। हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि शेखर और उसके तीनों साथियों का कोई ना कोई मददगार हो इस एरिया में, क्योंकि तीन दिन तक छुपे रहना बिना किसी के हेल्प के बाइक छुपाना पॉसिबल ही नहीं है। एनीवेज हम तो जा ही रहे हैं उस एरिया में बारीकी से छानबीन करने, देखते हैं शायद कोई सुराग हाथ लग जाए। पूजा और शेखर ने लस्सी यहाँ पी थी, यहाँ से हम दोनों दो डायरेक्शन में जाएंगे। मैं जाऊँगा इधर क्राइम स्पॉट की ओर, और तुम जाओगे इधर, क्योंकि शेखर ने इधर ही खुद को होश में आने के बाद पड़ा हुआ पाया था। ओके सर, तुम दोनों मेरे साथ आओ। चलो। क्या भाई, मुझे ये सब्जी का ठेला रोज यहाँ नहीं लगाते हो क्या? इसने 15 दिन से दिखाई नहीं दिया। साहब बहुत चोट आ गया था, यही मारे 10-15 दिन आए नहीं हम। अच्छा, 15 दिन पहले मंगलवार को कुछ गड़बड़ हुआ था क्या? तीन बदमाश को ढूंढ रहे। गड़बड़? हाँ साहब, बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ था, देख नहीं रहे? सब थोड़ा थोड़ा के बैठे हैं, सब पी पा के गाड़ी चलाते हैं। अब वो सफेद वाली वैन को देख लो। देखी खिड़की टूटी थी, पता नहीं कौन जल्दी में है, ठोक के चला गया हमको। हमारा ठिलिया भी तोड़ गया और हमारा सब्जी का सारा नुकसान करके चला गया साहब। यही मारे हम कई दिन दिखाई नहीं दिए। और कुछ? और हाँ साहब, उस सफेद वाली वैन के पीछे चद्दर में कुछ रखा हुआ था। अच्छा, उस गाड़ी का नंबर याद है तुम? साहब गाड़ी का नंबर प्लेट टूटा हुआ था और आखिरी का 2 नंबर याद है, 8 और 9। सफेद कार, टूटी हुई नंबर प्लेट, बेतहाशा भाग रहे थे, सब्जी वाले के ठेले को उड़ाया, इतनी कहानी तो हमें पता है। तो सिर्फ इतना बता दे तुम्हारे साथ था कौन कौन। साहब आप क्या बात कर रहे हैं, कौन सी गाड़ी, कौन सा साथी? सर वो सफेद कार मिल गई है, उसके मालिक का भी पता चल गया है, उसका नाम आकाश है, और आकाश ने वो गाड़ी सेकेंड हैंड खरीदी थी। ये गाड़ी किसका है? वो साहब उसका। सब उनका नाम है साहब, करण और श्रीकांत साहब, सब चार बार बच गए साहब। तुम्हारे तीनों साथी अपना गुनाह कबूल कर चुके हैं, अब यह साफ हो गया है कि तुम चारों ने मिलकर ही रेप किया था। उनके स्पर्म सैंपल और डीएनए मैच कर गए, तुम्हारा तो पहले ही मैच कर गया था, अब सीधे सीधे अपना गुनाह कबूल कर। साहब ये हमारे साथ सरासर गलत हो रहा है, जब हमने कोई गुनाह किया नहीं तो फिर हम कैसे कबूले?
हम तुमसे कभी मिले भी नहीं, हमको जानते तक नहीं है साहब। मुझे उन तीनों रेपिस्ट के कॉल रिकॉर्ड चाहिए। सर सर, एक बहुत ही अजीब बात पता चली है। हमने उन तीनों के कॉल रिकॉर्ड निकाले, लेकिन शेखर की उनसे कभी कोई बात ही नहीं हुई। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि उनकी आपस में बातचीत नहीं हुई तो फिर गैंग रेप को प्लान कैसे किया? सर एक और बात मालूम पड़ी है, एक कॉमन नंबर पर उन तीनों की बहुत बार बात हुई है, रेप वाले दिन भी, और ये नंबर किसी प्रकाश बंसल का है। कौन है ये प्रकाश बंसल? सर ये प्रकाश बंसल की केस हिस्ट्री भी बहुत अजीब है। कानपुर में 2014 में हुए एक मर्डर केस का मुख्य आरोपी है। इस वक्त वो जमानत पे है, लेकिन उसका साथी बंसी अभी भी जेल में है। और सर इम्पोर्टेंट खबर ये है कि उस मर्डर केस का चश्मदीद गवाह शेखर रह चुका है। What? शेखर आई विटनेस है? Yes, sir. और ये बात हम सब तक छुपी रही? सर ये फाइल हमें कानपुर पुलिस से मिली है। सर केस की फाइल और शेखर के बयान के मुताबिक 5 मई 2014 को उस पेट्रोल पंप पे शेखर पेट्रोल भरवा रहा था। उसी वक्त बंसल और उसके साथी बंसी ने सीताराम नाम के आदमी का मर्डर कर दिया, और ये मर्डर होते हुए शेखर ने देख लिया था। अरे भैया कोनो है? अरे अरे कोनो है का? भाई जी अम्मा कसम गलती हो गई, आइंदा कभी नहीं करेगा भाई जी। भाई जी नहीं करेगा भाई जी। साले हमारी कंप्लेंट करेगा तू? भाई जी गलती हो गई, इतना बड़ा आदमी हो गया, तेल में मिलावट करते हैं। भाई जी मैं तो बोलता हूं खत्म कर दो इसे, ये बर्बाद कर देगा हम लोग को। पुलिस में कंप्लेंट करेगा तू? कंप्लेंट करेगा। शेखर इस मर्डर का चश्मदीद गवाह बन गया, और ये दोनों आरोपी अरेस्ट भी हुए, लेकिन सर बाद में बंसल जमानत पर रिहा हो गया। सर हमने जब बंसल के कॉल रिकॉर्ड निकाले तो ये मालूम पड़ा कि बंसल और पूजा पिछले 5 महीने से टच में है, जबकि शेखर और पूजा सर 4 महीने से टच में है। मामला अब समझ में आ रहा है। उन तीन लोगों को जो हमने पकड़ा है ना, चलो उनकी खातिरदारी करते हैं। दीदी अब के हम लोग लखनऊ कभी वापस नहीं आएंगे। क्या करेंगे यहाँ पर आकर? सब कुछ तो लूट लिया इस लखनऊ ने, हंसी खुशी सुख चैन इज्जत सब कुछ। लेकिन हम मुंबई जाएंगे तो रहेंगे कहाँ? काम क्या करोगी आप? हमको वहाँ पर एक काम मिल गया है। पूजा केस से रिलेटेड कुछ जानकारी मिली है हमें, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। सर हमें यहाँ क्यों बुलाया गया? बात क्या है? कोई हमें बताता क्यों नहीं? बता देंगे बंसल जी, मैडम को तो आ जाने दीजिए। बैठो। आप इनको जानते हैं? जी नहीं। पूजा आप इनको जानती हो? नहीं सर। सर ये दोनों तो दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। हाँ लेकिन हम कुछ जानते हैं। ये रहे आपके कॉल रिकॉर्ड्स और ये रहे आपके कॉल रिकॉर्ड्स। आप दोनों पिछले 5 महीने से एक दूसरे से लगातार बातचीत कर रहे थे। इतना ही नहीं, वे तीनों लड़के जिनके स्पर्म सैंपल पूजा की रिपोर्ट से मैच हुए हैं, आप उनसे पिछले 4 महीने से टच में हो, और ये
ये है हमारे लिए हुकुम का इक्का, आपके कानपुर मर्डर केस की हिस्ट्री फाइल। वही सीताराम मर्डर केस, इस केस में शेखर, जी हाँ वही शेखर जिसने पूजा के बयान के हिसाब से पूजा के साथ बलात्कार किया है, इस केस में आई विटनेस। और ये क्या है पता है? ब्लैंक पेपर, इसमें अभी तक हमने कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि इसमें अब हम वो सच लिखेंगे जो तुम हमें बताओगे और अभी बताओगे। बको बको। सर हम बहुत परेशान थे, क्या करें कैसे करें कि शेखर हमारे रास्ते से हट जाए। उसके चश्मदीद गवाह होने के चलते हमारा जेल जाना तय था। हमने सोचा कि शेखर को अगर किसी और केस में फंसा दिया जाए तो हमारा केस कमजोर हो जाएगा, गवाह होने के चलते वो अपराधी साबित होगा। अगर उस पर रेप का केस साबित हो गया तो उसका बच निकलना नामुमकिन होगा। लेकिन समस्या ये थी कि इस काम के लिए लड़की कहाँ से मिली जो अपनी ज़रूरतों के लिए हमारे लिए काम करती। बंसी पूजा को जानता था, वो इसके टच में था और इसकी बदहाली उससे छिपी नहीं थी, इसीलिए हम अपना प्रस्ताव लेकर पूजा के पास गए। देखो पूजा, बंसी से मुझे तुम्हारे हालात के बारे में पता चल चुका है। तुम्हें पैसों की सख्त ज़रूरत है, तुम्हें अपनी माँ का ऑपरेशन भी करवाना है और अपने छोटे भाई बहनों को स्कूल भी भेजना है। कैसे करोगी इतना सब कुछ? इसीलिए हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हम देंगे तुम्हें पैसे, लेकिन बदले में हमारा एक काम करना होगा तुम्हें। कैसा काम? एक लड़का है शेखर, उसे एक मामले में फंसाना है। देखिए हम ऐसा वैसा कोई काम नहीं करेंगे। हाँ पैसा जल्दी और ज्यादा कमाना है तो उसके लिए रास्ता भी टेढ़ा ही चुनना पड़ता है। हमारी बात मानो, शेखर को फ्रेम करो। लेकिन कैसे? तुम्हारा रेप होगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सही कह रहे हैं हम, इसके लिए तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे और इसके बाद तुम्हें पुलिस में जाके कहना होगा कि शेखर और उसके दोस्तों ने तुम्हारे साथ रेप किया है। शेखर और उसके दोस्त? मतलब? मतलब तुम्हारा गैंग रेप होगा। तीन लोग होंगे, वो तुम्हें मारेंगे पीटेंगे। एकदम असली लगना चाहिए, चोट के निशान भी असली। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, हमसे नहीं होगा ये सब। गैंगरेप? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? इसके तुम्हें 20 लाख रुपए मिलेंगे, शेखर को फंसाने के 5 लाख और 3 बार रेप के अलग अलग 5-5 लाख, और हॉस्पिटल का खर्चा अलग मिलेगा। लेकिन गैंगरेप ही क्यों? गैंगरेप इसलिए ताकि ये मामला इतना बड़ा हो जाए कि कोई हमारे केस को इस केस से जोड़कर ही ना देख पाए, और ये शेखर नाम का कांटा हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए। लोग इसकी बात का विश्वास करें। प्लान के मुताबिक पूजा ने शेखर की हमदर्दी बटोर ली थी, जो कि उसको फ्रेम करने के लिए जरूरी था। और फिर तुमने पूजा को डॉक्टर की फॉल्स स्लिप दी जिसमें ये सेडेटिव सजेस्ट की गई थी, और उसके बाद पूजा ये सेडेटिव शेखर की दुकान से खरीदने लगी ताकि शेखर फंस जाए और पुलिस की गिरफ्त में आ जाए। और तुम्हारे ही कहने पे उस दिन ढाबे पे पूजा ने शेखर की लस्सी में सेडेटिव मिलाई। भैया 2 लस्सी देना। हम जरा हाथ धुल के आते।
जब शेखर बेहोश हो गया तो हमारे कुछ आदमियों ने उसे एक चादर में लपेटा और सफ़ेद कार में डाल दिया। उसे हम एक सेफ जगह ले गए और हमने 3 दिन उसे वहाँ रखा। हमारे एक आदमी ने उसकी बाइक उठा ली ताकि किसी को कोई सुराग ना मिले, और वो सेडेटिव पूजा को भी दी गई ताकि ये उन लोगों के चेहरे ना पहचान सके जिन्होंने इसके साथ रेप किया था। गैंग रेप के बाद आकाश ने हमें इन्फॉर्म किया। हम हाईवे से सिर्फ इसलिए गुजर रहे थे ताकि हम ये देख सकें कि पूजा को ठीक से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है या नहीं, और हमारे आदमियों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था, और हमारे आदमी शेखर का फ़ोन लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे ताकि पुलिस को डाइवर्ट कर सके। लेकिन एक बात अभी भी क्लियर नहीं हुई, जब शेखर ने कुछ किया ही नहीं तो उसके सैंपल मैच कैसे हो गए? बेल पे बाहर आने के बाद मैं शेखर की हिस्ट्री ज्योग्राफी खंगाल रहा था कि कोई तो ऐसी कमज़ोर कड़ी होगी जिससे मैं उसे ब्लैकमेल कर सकूं। हमें पता चला कि शेखर की पत्नी का IVF ट्रीटमेंट चल रहा है। पहली बार की कोशिश में वो नाकाम रहे और दूसरी बार की कोशिश के लिए वो ट्राई कर रहे थे, और हमने वहाँ के कंपाउंडर को पैसे खिलाए ताकि शेखर का स्पर्म हासिल कर सके, और उसके बाद हमारे 3 आदमियों को हमने पूजा मामले को सेट करने को बोल दिया। शेखर बेकसूर साबित हुआ, बंसल को गिरफ्तार कर लिया गया, और बाद में शेखर ने चश्मदीद गवाह के रूप में बंसी और बंसल के खिलाफ अपना बयान दिया, और उन दोनों को सीताराम की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास के लिए भेज दिया गया। पूजा को भी गिरफ्तार किया गया और उसे षड्यंत्र और पुलिस को गुमराह करने के लिए बुक किया गया। पूजा चाहती थी कि वो कुछ पैसा बना ले ताकि वो अपने भाई बहन और अपनी माँ को एक बेहतर जिंदगी दे सके, लेकिन क्या ये सही रास्ता था पैसा कमाने के लिए, जहाँ उसे अपना बलात्कार करवाना पड़ा और एक निर्दोष को फंसा कर उसे गुनहगार साबित करना पड़ा? पर अब इस शॉर्टकट की कोशिश में पूजा एक ऐसी जगह आ खड़ी हुई थी जहां उसके लिए सिर्फ अफसोस किया जा सकता था। और सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि जो कानून औरतों को मजबूत करने के लिए बना है, पूजा उसी कानून का दुरुपयोग कर रही थी। ये एक बेहद शर्मनाक वाकया है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबा केक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।